मैं जा रही हूँ चाय बनाने अभी, और देखिए मेरे दूध का क्या हाल हो गया है, पूरा एकदम से बर्फ जम गया है। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और हम लोग भी सब अच्छे हैं। तो फ्रेंड, अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं अभी नहाई हूँ, खाना बनाने के बाद आज नहाई हूँ, तो खाना तो बन चुका है मेरा। और अभी मैं नहा के कपड़ा जा रही हूँ बाहर देने के लिए, सूखने के लिए, और आज साड़ी पहनी हूँ, तो आज भी ब्लॉग मेरा है साड़ी ब्लॉग। गाइज, मैं अभी बाहर आई हूँ देखिए कपड़ा पसारने के लिए, और काफ़ी कड़ा धूप किए हुए था, बट आजकल का धूप उतना भी ज़्यादा कड़ा नहीं लगता है, क्योंकि अब तो ठंडा का मौसम आ रहा है, तो धूप थोड़ा नरम जैसा रहेगा ही, लेकिन फिर भी कड़ा लग रहा था सुबह सुबह हल्का। तो मैं यहाँ जो कपड़े मेरे और सानवी के थे, ज़्यादा तो थे नहीं, मेरे और सानवी के ही थे, वो मैं धो दी हूँ नहाने से पहले, और उसी को मैं यहाँ पर पसार दे रही हूँ, उसके बाद आगे का काम शुरू करूँगी मैं। गाइज, मैंने यहाँ सारे कपड़े को दे दिया है बाहर सूखने के लिए, और सारे में क्लिप भी लगा दिया है ताकि गिरे ना नीचे। और देखिए परछाई से पता चल रहा होगा कितना तेज़ धूप है, और मैं इधर नीचे में डाल दी हूँ कपड़ा बाहर, और अभी मैं घर में आई हूँ, और चादर जो डेली हम लोग ओढ़ते हैं रात में, वो सब मैं थोड़ा सा धूप में दी थी हल्का सा, ऐसे तो धोया हुआ ही था, सिर्फ गर्म होने के लिए धूप में दी थी, तो सब अच्छा खासा गर्म हो गया था। तो यहाँ पे उठा के मैं कपड़ा पसारने से पहले उठा कर ले आकर रख दी थी, उसके बाद मैं कपड़ा पसारने लगी थी, अभी कपड़ा दे दी हूँ, उसके बाद आके मैं इन सब कपड़ों को फोल्ड करके अभी रख दूँगी, और चादर है उसे भी फोल्ड करके रख दूँगी। और ये सब तीन चादर आप लोग को दिख रहा होगा, तीनों का अलग अलग है, क्योंकि सान भी को ओढ़ाती हूँ तो वो रात में इधर उधर फेंकने लगती है, इसलिए उसके लिए एक अलग बड़ा सा चादर दे दी हूँ, कितना भी फेंके फिर भी उसमें लपटा के वो ओढ़े हुए रहे कम से कम। तो बस मैं यहाँ जल्दी जल्दी उसे समेट लेती हूँ। पूरा दिन मुझे घर ही ठीक ठाक करने में लग जाता है। अभी कपड़ा पसार के आई हूँ, और अभी जस्ट घर पूरा एकदम गंदा करके रख दिया, सुबह एक बार गंदा की, साफ की, झाड़ू लगाई, उसके बाद नहाने से पहले साफ की, उसके बाद नहाने गई, अभी नहा के आई हूँ, कपड़ा बाहर पसार के भी आ गई हूँ, और अभी घर का हो गया देखिएगा तो कहिएगा कि क्या हाल करके रख दी है। मतलब उसका खिलौना पूरा दिन छिटा हुआ रहे तो अच्छा है, अगर उठा कर रखूँगी वापस वो छीट देती है, उसे साफ सुथरा घर अच्छा नहीं लगता, वो छीटती तब उसे शांति लगता है, और खेलेगी नहीं, सिर्फ छीट के रख देगी और बस ऐसे ही पड़ा रहता है। तो अभी फिर जा रही हूँ उठा कर रखूँगी, थोड़ा सा डांट लगाऊंगी उसे, तब जाकर सुनेगी, छोड़ देने पर ही होता है, बार बार मैं ठीक करूँगी और बार बार वो गंदा करते रहेगी, यही इसका काम है पूरा दिन का। आइए दिखाती हूँ घर का क्या हाल की है, आप लोग भी देख लीजिए उसका क्या खेलना रहता है। ये देखिए टीवी भी चाहिए, साथ में खिलौना भी चाहिए, घर गंदा करके ही रखेंगे।
मैं जा रही हूँ चाय बनाने अभी, और देखिए मेरे दूध का क्या हाल हो गया है, पूरा एकदम से बर्फ जम गया है। इसे अब गर्म करूँगी, मैं जल्दीबाजी में हूँ चाय बनाने के लिए, और जल्दीबाजी में ऐसा हो गया है। अब मैं कैसे चाय बनाऊँगी, इसे डालूँगी कैसे चाय में जब तक पिघलेगा नहीं। देखिए कैसे हो गया, पूरा एकदम बर्फ जम गया है। अभी ना फ्रिज का कूलिंग थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी में हाई रखी हुई थी और अब ठंडा का दिन आ रहा है लगभग, इसलिए उसका कूलिंग थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, नहीं तो यही हाल होगा, पूरा एकदम सब्जी ऐसा हो जाएगा कि काटने लायक नहीं रहेगा। और मेरी बीकी अभी भी सो रही है, देखिए उसे उठाऊंगी नहीं तो वो उठेगी नहीं। ये एक पिन करके साड़ी पहनने में यही प्रॉब्लम है, काम करने में प्रॉब्लम हो जाता है। फ्रेंड मैं यहाँ जल्दी में चाय बनाने के लिए इसलिए थी क्योंकि शाम में हम लोग थोड़ा बाहर निकलने वाले थे, जहाँ पहले वाले रेंट हाउस में रहते थे उसी घर में एक बगल वाले रूम में रहती थी, उन लोगों से जान पहचान है हमारी अच्छी, तो मैं हम लोग सोच रहे थे कि उनके घर थोड़ा सा मिल के आ जाए, क्योंकि वो लोग भी नए जगह शिफ्ट हो गए हैं, तो वहाँ मैं एक बार भी नहीं गई उनसे मिलने, और वो लोग बुला रहे थे बार बार। तो ये मेरे हस्बैंड मतलब सानवी के पापा बोले कि चलो आज मिल के आते हैं, तो इसलिए मैं सोची कि चलो चाय बना लेती हूँ, खाना आने के बाद बनाऊँगी। तो हम लोग थोड़ा जल्दी में थे और दूध का देखे तो क्या हाल हो गया, पूरा एकदम जम के बर्फ़ जैसा हो गया था। तो मैं यहाँ चाय बना ली हूँ गाइज, और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों चाय पियेंगे यहाँ पर। तो आप लोग भी देरी मत करिए और आ जाइए जल्दी जल्दी हमारे साथ चाय पीने के लिए। और यहाँ हस्बैंड मेरे पानी बोल रहे थे कि है इधर बोतल तो मुझे दो, मैं पीऊँगा चाय पीने से पहले, पानी तो पीते ही हैं, तो वही मैं उनको बताई कि इधर है रखा हुआ। और बस चाय बनने का इंतज़ार कर रही हूँ, मैं उनका चाय निकाल दी हूँ, उसके बाद मैं यहाँ चीनी डाल रही हूँ। और ये देखिए चाय मेरा उबल गया अच्छी तरह से और चाय रेडी है, तो आ जाइए आप लोग, फिर एक बार बोल रही हूँ। तो मैं जहाँ गई थी वहाँ का क्लिप नहीं ले पाई, सॉरी गाइज, और नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर आप लोग के साथ मिलूंगी, एक अच्छे ब्लॉग लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, और छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सब लोगों को, क्योंकि दीपावली ख़त्म हो गई, अब छठ पूजा का ही दिन चल रहा है। तो बाय बाय गाइज, टेक केयर।